दोस्तों स्वागत है आपका टेक 10 बजे के एक और फ्रेश एपिसोड में। मैं लेकर आया हूँ कुछ खास न्यूज़। तो दोस्तों मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं अमरल न्यूज़ चैनल और मैं इसका नाम, लोगो और चीज़ें काफ़ी चेंज करने वाला हूँ। अगर अच्छी लगे कल तो मुझे बता देना, ये कल मैं चेंज करूँगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों इसी बात पर एक लाइक कर देना अगर आपको लगे कि चेंज करना, अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कोई नाम तो चैनल का नाम भी मुझे सजेस्ट कर देना, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो अगली न्यूज़ के लिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं अमरल न्यूज़ चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं गूगल का नाम लेकर। तो दोस्तों जो हमारे पास पहली न्यूज़ आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल पिक्सल काफ़ी अच्छे फ़ोन दे रहा है अपने, लेकिन उसके पिक्सल 2 और पिक्सल 2 एक्सल के अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी में इशू आए हैं हमारे पास। तो देखते हैं क्या इशू, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड वर्जन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, हार्डवेयर से मिसमैच है, वो कुछ प्रॉब्लम आई है। देखते हैं गूगल कब तक ये फिक्स करेगा प्रॉब्लम। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है हमारे पास न्यूज़, जो है हमारे पास वो है एप्पल की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली जाके टीम कुक से मिले हैं और 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करी है। वो पर्सनली इसमें इंटरफेयर कर रहे, मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जल्द से जल्द वो 5G टेक्नोलॉजी US के अंदर कर पाएँ, बना पाएँ, उसके टावर बना पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ये 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी नेटवर्क की है, ये काफ़ी हाई स्पीड में है, लगभग 750 MBPS की स्पीड आपको देखने वाली है और हाईएस्ट स्पीड आपको जो देखने को मिलेगी 10 GBPS की मिलेगी। अब पर्सनली इसमें डोनाल्ड ट्रंप मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो आईफोन SE होगा 2.0 और आईफोन 12 और उसके जो मैक्स वाला वर्ज़न होगा और प्रो वाला वर्ज़न, उसमें आपको 5G देखने को मिलेगा और आपको 120Hz की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और रैम की बात की जाए तो 6GB की आपको उसमें रैम देखने को मिलेगी जो कि इंटरनल स्टोरेज होगी। एक्सटर्नल तो वो डालते नहीं है, हेडफोन भी हटा चुके हैं, लेकिन उसके साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जैसे कि, और इसमें 512GB 1TB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास अगली न्यूज़ बड़ी ख़तरनाक है, रशिया की तरफ से है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रशिया के अंदर परचेज और सेल होते हैं उसने मना कर दिया है, अगर रशिया का खुद का प्री इंस्टॉल सिस्टम नहीं रहेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर उनकी ऐप लैंग्वेज में उनका सॉफ्टवेयर नहीं होगा किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो AC हो या फ्रिज हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी हो जैसे TV, मोबाइल्स या दूसरे गैजेट्स भी, तो वो उसने मना कर दिया है कि वो लॉन्च नहीं होने देगा और उन पे लॉ लागू कर दिया, एक नियम लागू कर दिया है। अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है जो कि हमारे पास आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S11 के लिए। इसकी जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी 120Hz की देखने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा होगा। अब रिफ्रेश रेट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए पिछली नाइट में अगर सो के अगले दिन उठते हैं तो जो जैसे आपका माइंड फ्रेश होता है, इसी तरीके से स्क्रीन इसकी स्मूथनेस चलती है। एप्लीकेशन ओपन करें, क्लोज करें या आप स्वाइप करें लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, टिकटॉक चलाकर करें तो वो काफ़ी स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया है 120Hz। टेस्ला भी अपना काफ़ी रोमांचक चीज़ें देता रहता है, चाहे वो कार हो, स्पेस के लिए चीज़ें हो या सोलर पैनल एनर्जी कलेक्शन के लिए बात की जाए। तो अब जो साइबर ट्रक के नाम से उसने प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, प्रोडक्ट क्या एक तरह से कह सकते हैं, टूरिज्म के लिए बढ़िया रहेगा। ये पिकअप ट्रक होगा जो कि आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा, बट ये US के अंदर ही अभी जल्दी ही मिला है और लॉन्च कर दिया है, बट उसको कमर्शियली अभी नहीं किया गया, बट उसके बारे में रिवील्ड कर दिया है हमारे एलॉन मस्क ने, या एलॉन मस्क कहें उनका नाम तो दोस्तों सॉरी। लेकिन अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो एक बार चार्ज होने पे आपको 500 माइल्स चलाएगा, यानी अगर हम देखें एक माइल में 1.5 किलोमीटर होते हैं लगभग, तो 750 किलोमीटर की आपकी ड्राइविंग मस्त तरीके से दे देगा। अगर आपको जाना है यहाँ से तो आप जा सकते हैं कहीं 750 किलोमीटर की ड्राइव पे, अप डाउन कर सकते हैं, तो आपको लगभग 200-250 किलोमीटर की देखनी होगी डिस्टेंस, तब आप अप डाउन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा में दिक्कत आ सकती है। देखते हैं जब ये कमर्शियली लॉन्च होता है इंडिया में, तो पता नहीं कब आएगा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
दोस्तों अगली न्यूज हमारे पास चाइना के प्रोजेक्ट की तरफ से है, जो जिसका प्रोजेक्ट का नाम है होंगयून प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, बट ये जो हमारा अर्थ का यानी पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, राउंडिंग एरिया है, उसके कवर एरिया है, उसमें वाईफाई की यानी इंटरनेट की कनेक्टिविटी देगा। अब ये कितना होगा ये बताया जा रहा है कि 1000 किलोमीटर की ऑर्बिट वाले एरिया में ये कवर कर पाएगा और इंटरनेट दे पाएगा। देखते हैं जब ये 2020 में आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट, जब ये सफल हो जाएगा। अभी लॉन्च करने के लिए बता दिया है उन्होंने, सैटेलाइट के थ्रू ऑर्बिट में होगा ये 5G नेटवर्क, जो कि सोलर लाइट से चलेगा या सोलर पैनल से उसको एनर्जी मिलेगी। कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, रेंज क्या होगी, बट ये बता रहे हैं 1000 किलोमीटर होगी रेंज इसकी ऑर्बिट में। बहुत ठीक है, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहा है। देखते हैं अगली न्यूज़ हमारे पास क्या है। और दोस्तों अगली न्यूज़ हमारे पास Xiaomi की तरफ से, इसने पेटेंट फाइल किया अपना ड्यूल स्क्रीन का। आप अभी देखते हैं नॉर्मल गाड़ी में स्क्रीन और पिछाड़ी में भी इसके झांप है, बैक रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है। और कैमरा इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, लगभग 4 कैमरा तो आपको मिलेंगे, क्वाड कॉम चौकड़ कैमरा आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट स्क्रीन में फ्लैश मिलेगी और फ्रंट में भी ड्यूल कैमरा बताया जा रहा है पेटेंट की अकॉर्डिंग। जो पेटेंट इन्होंने फाइल किया उसमें ड्यूल स्क्रीन का ही डिस्प्ले का सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया है। अगली जो और आखिरी न्यूज़ है वो कुछ टैक्स रिलेटेड नहीं है, बट ये टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, रिलेटेड है। दोस्तों बिलगेट जो है, हमारे बिलगेट्स चाचा जी, वो रिचेस्ट मैन हो चुके हैं वर्ल्ड के वापस से। जैसे कि जेफ बेजोस ने पिछले 2 साल में उनको थोड़ा सा चखना चखाया था, लेकिन अब वापस से उसी रेस में वो जीत के आगे निकले जा रहे हैं। 1984 के बाद से उन्होंने कुछ ही बंदों ने पछाड़ा है, बाकी वही रहे हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन। वॉरेन बफेट दूसरे नंबर पर रहे हैं ज़्यादातर, और टॉप 10 में लगभग कुछ ही बंदे आ पाए उनके आसपास। बट जो मोस्टली मैं देख रहा हूँ, लगभग 7 से 8 बंदे अगर हम देखें टॉप 10 में तो US के हैं, जो कि मतलब टॉप 10 में US के ही बंदे हैं। टॉप 20 में देखें तो लगभग 16 से 17 बंदे US के हैं। अगर हम देखें तो ज़्यादा नहीं है, एक बंदा हमारा फ्रांस का है और एक दो और हैं जो दूसरे अड़गम सड़गम के हैं। शायद हमारे मुकेश अंबानी भी टॉप 20 में आते हैं 13वें 14वें नंबर पर, बट पता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए अगली न्यूज़ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।